रेत के अवैध खनन का खेल पूरे एमपी में चल रहा है। प्रदेश में माफिया की गुंडागर्दी कोई नई बात नहीं है, लेकिन पन्ना में अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पन्ना में माफिया के सामने प्रशासन बेबस और लाचार दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि पन्ना और छतरपुर जिले की सीमा से बहने वाली केन नदी में व्यापक तौर पर अवैध खनन किया जाता है। नदी का पानी रोककर अवैध पुल बनाकर अनेक तरीकों से प्रशासन को रौब दिखाकर अवैध खनन किया जाता है। इसी बीच अवैध खनन की सूचना मिलने पर आज एसडीएम कुशल सिंह गौतम अपने तहसीलदार आरआई और पटवारी को लेकर दबिश देने पहुंचे। अजयगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बीरा पुल के पास एसडीएम ने अवैध खनन होते पाया, जहां 6 LNT मशीनों से पन्ना जिले की सीमा में रेत का खनन हो रहा था। 25 से 30 ट्रक डंपर भी खड़े थे, लेकिन जब माफियाओं ने अधिकारियों को आते देखा तो अपनी मशीनों को छतरपुर जिले की सीमा में ले जाना शुरू किया। सुबह तक 5 LNT मशीन और 25 ट्रक डंपर जब्त किए गए। विवाद की स्थिति देखते हुए सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी मौके पर मौजूद था। इसी बीच कुछ ही देर बाद 15 वाहनों के साथ मौके पर पहुंचे माफियाओं ने 20 ट्रकों को छुड़ा लिया और साथ ले गए। कल हमको रात्रि में सूचना मिली थी, तो हम करीब रात्रि में 12 बजे यहाँ पर आए थे और यहाँ पर हमने पाया कि जो है काफ़ी कुछ मशीनें चल रही हैं। LNT मशीन है, कुछ JCB मशीन है, कुछ डंपर और सभी जो है ट्रक वगैरह भी हैं यहाँ पे। तो फिर हमने जो है यहाँ चौकी प्रभारी से बात करी, उनको बुलवाया और हमारे साथ भी करीब पटवारी और RI और नायब तहसीलदार वगैरह पूरे दल बल के साथ थे हम लोग। और इसी दौरान वो पुलिसकर्मी भी आ गए। इसके बाद फिर हम नीचे गए तो हमने जो है देखा कि वास्तव में अवैध उत्खनन हो रहा है, जो कि पन्ना जिले की सीमा पर है। और जैसे ही उन्होंने उत्खननकर्ताओं ने देखा कि ये लोग आ गए हैं, तो फिर उन्होंने अपनी मशीनें वगैरह ये जो है उधर छतरपुर की तरफ बढ़ाना चालू किया। और जो उन्होंने रेत वगैरह भरी थी उसमें ट्रक में या डंपर वगैरह में, तो वो कुछ तो वहीं पर जाम हो गए थे, लेकिन कुछ जिनमें भरी जा रही थी तो उन्होंने जल्दी जल्दी खाली करके और भागने की कोशिश की। लेकिन चूंकि हम लोग जहां से निकलने का रास्ता है वहीं पर पहुंच गए थे, तो वो फिर वो निकल नहीं पाए और वो जो है हमने कार्रवाई वहां पे। जी, कितने ट्रक थे और कितनी LNT मशीन? अब रात्रि का समय था तो देख तो नहीं पाए, लेकिन करीब 20-25 से कम नहीं थे, मतलब इतनी तो होगी ही, ट्रक भी और डंपर भी। जी, डंपर और मशीन कितनी थी? LNT मशीन भी करीब 5-6 तो थी ही, मतलब। अब मौके पे कितने हैं, कितने भाग गए? अभी हमने कल से जो है अभी तक हम 4 LNT मशीन हमने जब्त करके और पुलिस चौकी बीरा में सुपुर्दगी में, मतलब वहाँ पर हमने खड़ी करा दी है। अब वो प्रयास है हमारा कि जो है चौकी प्रभारी को वो मतलब उनके सुपुर्दगी में दे दें, क्योंकि वहाँ 3 ट्रक हैं जो 2 भरे हुए हैं रेत से और 1 ट्रक जो है वो खाली करके भाग रहा था, तो उसको भी हमने पकड़ लिया था। तो वो खाली ट्रक भी हमने वहाँ पे, इस प्रकार 3 ट्रक मैंने सुबह ही जो मैं यहाँ से गया था उस समय चौकी में मैंने खड़े करा दिए थे। बाकी ट्रक जो भाग गए हैं उनको कैसे रिकवर करेंगे? नहीं, मैं क्या, चूँकि आज मीटिंग थी वन अधिकार की, उसकी तो वन व्यवस्थापन संबंधी, तो उसमें मैं वहाँ चला गया था। और मैं जैसे ही गया तो क्या हुआ कि उनका पूरा दल जो है माफियाओं का या जो भी कहें तथाकथित लोग जो है करीब 15-16 वाहनों में वो लोग अचानक आए, और उसी दौरान हमारे RI पटवारी नायब तहसीलदार वगैरह भी थे। और उसी दौरान फिर हमने ये दोनों थाने के थाना प्रभारी वगैरह भी थे, लेकिन उन्होंने अचानक मुझे फ़ोन लगाया नायब तहसीलदार वगैरह कि साहब ये दलबल के साथ ये लोग आ गए हैं। हथियारों से लैस थे क्या वो लोग? हाँ, कुछ में ऐसा मालूम पड़ा है, लेकिन अब वो मैंने तो प्रत्यक्ष देखा नहीं है, लेकिन वो लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ आए थे कि हमें ये जो वाहन जो है जब्ते में लिए गए हैं इसको हम जो है ले जाएंगे। तो ले गए छुड़ा करके? फिर नहीं, फिर इसके बाद फिर उन्होंने मुझे नायब तहसीलदार वगैरह ने बार बार फ़ोन ऑन किया, फिर मैंने चौकी प्रभारी से उनसे भी बात करी, थाना प्रभारी हिनौता से भी बात करी, तो और SDOP साहब से भी बात करी, तो उन्होंने कहा कि साहब वो जो मशीनें वगैरह हैं वो छतरपुर की सीमा में आ जाती हैं। तो हमने कहा कि आप लोग वहीं पर हैं और आप संरक्षण प्रदान करें, सब हमारे पटवारी RI वगैरह हैं, कल से कोई ऐसी घटना न घटित हो। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई अच्छा तो यही है कि आप वो थाना प्रभारी वहाँ हिनौता से बात करें। फिर हमने थाना प्रभारी हिनौता से बात करी, तो उन्होंने बताया कि नहीं नहीं ये साहब हमारे छतरपुर क्षेत्र में आता है, मेरे थाना क्षेत्र में आता है और मैं यहाँ के वाहन जो है वो ले जा रहा हूँ, उन्होंने ये बताया। तो मैंने कहा ठीक है, आप अपनी अवरक्षा में ले जाइए और हम ये चाहते हैं कि जो भी अवैध उत्खनन हुआ है जिनने किया है उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो।
पुलिस का कितना सहयोग मिला फिर आपको, कैसा रहा? पुलिस का सहयोग तो हमको सुबह भी मिला था और रात में भी मिला, लेकिन उस समय मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि जो सहयोग मिलना चाहिए था वो पूरा वैसा मतलब दिया है पुलिस का सहयोग। अब क्या कार्रवाई की तैयारी में है? अब ये है कि जो भी हमारी उसका हमने जब्तीनामा वगैरह जो बना रखा है, अभी हमारा प्रयास ये है कि चौकी प्रभारी को हम जो है 4 LNT जो जब्त हुई है वो उनके सुपुर्दगी में दें, और 3 जो है डंफर और ये ट्रक हैं वो भी जो जब्ती में दिए जाएँ, जब्ती में है सुपुर्दगी में दे दें। अब वो टालम टोल कर रहे हैं कि वहाँ आप ले जाइए पुलिस थाना बखत अजयगढ़ ले जाइए, और बड़ी मुश्किल में हम जो है उनमें चैन पैकेट से चल रही हैं वो LNT मशीनें वगैरह, तो बहुत प्रॉब्लम जा रही है यहाँ से मतलब चौकी तक जाने में भी पूरा दिन हमारा आज हो गया है, और यदि हम वहाँ ले जाते हैं तो काफ़ी परेशानी होगी। तो हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत कराएंगे, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि ये चौकी प्रभारी वीरा ही इन अपनी अभिरक्षा में ले लें ताकि हमको कोई आगे परेशानी ना हो। निश्चित ही आज बड़ी कार्रवाई की गई है, और आज लगभग 4 LNT और 2 डंपर पकड़े गए हैं, और काफ़ी कुछ डंपर जो खड़े हुए हैं उनको भी लाने का प्रयास किया जा रहा है, और इन पर निश्चित ही अवैध उत्खनन की कार्रवाई की जाएगी। 24-25 डंपर बताए गए थे, जिनमें से बाकी भाग गए हैं, क्या हुआ है? जो भाग गए हैं तो उनका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो खड़े हुए हैं उन डंपरों को ला करके निश्चित ही थाने में खड़ा करके। सीमा विवाद है छतरपुर? हाँ, सीमा विवाद है, कुछ सीमा विवाद के कारण भी कुछ डंपर हैं जिनकी एग्जैक्ट लोकेशन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में पाई जा रही है, क्योंकि छतरपुर डिस्ट्रिक्ट की खदान अभी वैध रूप से संचालित है, तो इस कारण का इसके कारणों को पता लगाते हुए ही निराकरण किया जाएगा। खदान वहाँ के डंप है वहाँ से? नहीं, खदान स्वीकृत है। अच्छा, आगे क्या खनिज विभाग के द्वारा क्या कार्रवाई? अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। और जो भी के ऊपर जो अवैध रूप से पुल बना लिए गए या रास्ता बना लिए गए उनके लिए क्या हो? उस पुल को अभी जाके तोड़ते हैं, और उसमें चूँकि सभी SDM साहब भी हैं और तहसीलदार भी हैं और माइनिंग की भी टीम है, पुलिस की भी टीम है, और सभी के साथ जा करके पुल को तोड़ा जाएगा। थैंक यू। अवैध खनन के ऊपर कार्रवाई की गई है, वीरा क्षेत्र में क्या थी कार्रवाई और पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? और श्रीमान SDM महोदय अनुभाग अजयगढ़ के माध्यम से वीरा चौकी के अंतर्गत वहां अवैध खनन को लेकर कार्रवाइयां की हैं, जिसमें सुरक्षात पुलिस भी साथ में रही है, और सर के द्वारा और SDM सर के द्वारा 4 LNT और 2 डंपर, 1 ट्रैक्टर जब्त किया गया है, 1 ट्रक जब्त किया गया है। जी, तो और कुछ ऐसी बातें आ रही थी इधर कि 25 ट्रक जब्त किए गए हैं, 5 LNT हैं, तो बाकी कहाँ भाग गए, पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? नहीं, इसमें अगर राजेश शमला जो भी आवेदन देंगे और उसमें इस अगर इस टाइप का कोई वाकया है तो उसमें निश्चित तौर पर जो भी वैधानिक उचित कार्रवाई की जाएगी। आगे ऐसी अवैध खनन ना हो तो पुलिस भी सक्रिय रहेगी? हाँ, नहीं, इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में और सतत कार्रवाई कर रहे हैं, और जो भी इसको लेकर उचित निर्देश होंगे उस आधार पर कार्रवाई करेंगे। हैरान कर देने वाली बात है कि क्या माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि उन्हें शासन प्रशासन का खौफ नहीं। ऐसे में पुलिस और प्रशासन को जरूरत है ऐसे सख्त कदम उठाने की जिसे जानकर माफियाओं में भी खौफ पैदा हो। पंजाब केसरी TV के लिए पन्ना से टाइगर खान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।